कि एक हुंदी है अरदास, एक हुंदी है बेनती। अरदास और बेनती ओ तां आपां दोवें शब्द इको भाव के अंदर बोल दिंदे आं, पर असल दे अंदर इन्हां दे वखरो वखरे अर्थ संप्रदाय दे अंदर दसे जांदे ने कि अरदास तां ओ हुंदी है जिहड़ी आपां शाम सवेरे करदे हां, नितनेम आदक दी अरदास। ते बेनती ओ हुंदी है जिस दे अंदर गुरबाणी दे शब्द पढ़े जान, वाहिगुरू दे अगे तरले मिनते कीते जान। ते इस प्रकार आख्या जावे कि सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, बाहि गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। इदा नाल बेनतियां दियां पंगतियां शब्द पढ़ने, इस दा नाम है बेनती करनी। उही सानू ढंग तरीका इस पावन शब्द दे अंदर साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दसदे हन। ते आपां इस पावन शब्द दी विचार प्रारंभ करन तों पहलां ये विचार कर लईए, जिवें आम करके आपां ये गल श्रवण करदे हाँ कि जिहड़ा वाहिगुरू है उस दा स्वरूप इदां दा है कि बिन बोलिया सब कुछ जाणदा। आपां आम ही ये पंक्ति प्रचारकां दे मुख तों जां आम गुरसिखां दे मुख तों श्रवण करदे हाँ। ते आख दिन्ने आ जी इस पंक्ति दा ये अर्थ है कि वाहिगुरू दे अग्गे बेनतियां ना करो, ओ तां वाहिगुरू सब कुछ जाणदा है। जिवें आपां साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी उचारण कीती हुई पावन पवित्र गुरबाणी श्री सुखमनी साहिब जी दी बाणी जदों पढ़दे हाँ, ते उस दे अंदर एक पंक्ति ऐसी आउंदी है जिस तों सानू समझ पैंदी है कि अरदास करनी चाहीदी है जां नहीं करनी चाहीदी। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, कैसी ये पंक्ति है जिस दे अंदर दोवें गल्लां इको पंक्ति दे अंदर सतगुरां ने अंकित कर दित्तियां ने। पहला कह दिता कि करो बेनती, फिर कह दिता कि सारा कुछ परमेश्वर वाहिगुरु जानदा है। इस लई जिहड़ी ये पंक्ति है कि जिहड़ा वाहिगुरू बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ये एक अवस्था की गल है कि जदों गुरसिख की अवस्था उस पक्ष दे विच पहुँच जाती है कि जिथे सभै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, ऐसी जिहड़ी अवस्था का जिक्र इस पावन पंक्ति के अंदर है। क्योंकि गुरसिखां दी जिहड़ा शुरुआती जीवन है उस दे अंदर सतगुरां दे अग्गे परमेश्वर वाहिगुरू दे अग्गे अरदासां बेनतियां करन दा ही उपदेश गुरबाणी और गुर इतिहास दिंदा है। जिवें असीं पावन इतिहास नूं पढ़ के वेखीए, खालसे दी 101 अरदास लिखी हुई है कि जदों भी कोई घर के अंदर नवा मकान शुरू करना होवे, कोई साधन लैके आए होइए, जां कोई भी संसारी कार्य शुरू करना होवे, कीता लोड़ीए कम सो हर पह आखीए, कार्य दे सवार सतगुर सच साखीए। इस लई अरदास बेनती जरूरी है। जिवें किसी गुरसिख ने किसी महापुरखां दे कोल शंका कीता, कहिंदे कि तुसीं हर रोज़ भोग लवाउंदे हो ते आखदे हो कि सतगुरू जी उह भोग लावो, कि सतगुरू जी जिहड़ा कड़ाह प्रसाद उह छकदे हन भोग लाउंदे हन जां नहीं। ते उस वेले उहनां महापुरखां ने आख्या कि चलो मन लैंदे हाँ कि भोग नहीं लाउंदे, कि सतगुरां दा किते मुख दिसदा नहीं, असीं एक समें मन लैंदे हाँ कि सानूं सतगुरां दा मूँह नज़र नहीं आउंदा, शायद भोग ना लाउंदे होण। फिर कहिंदे जिहड़ियां आपां अरदासां बेनतियां करदे हाँ उह किस नूं सुणाउंदे आ, आपां तां सरूप दे किते कन्न वी लगे नहीं वेखे। फिर उह गुरसिख आखण लगा कि महापुरखो मेरे कोलों भुल हो गई,
मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं इस विचार नूं समझ सकां। इसलिए गुरबाणी के अंदर बेअंत ऐसे शब्द हैं जिस के अंदर सानू अरदासां बेनतियां करन दा ढंग तरीका दसिया होया है। जिवें आपां इह पावन पंक्तियां पढ़ते हाँ कि वाहिगुरु नूं एक माता का दर्जा दिता है ते आप एक गुरसिख बच्चा बन के वाहिगुरु दे अग्गे बेनतियां करनियां कि हे वाहिगुरु जीओ तुसी एक माँ दी न्यायी साडे गुनाहां नूं बख्शन वाले हो। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, असी अनेकां ही अवगुणां दे भरे हुए जीव हाँ, क्योंकि अपनियां गलतियां नूं मन लैना यह भी एक वड्डे गुणा दी वड्डे भागां दी निशानी हुंदी है, क्योंकि सतगुरां दी पावन बाणी दा यह उपदेश है चतुराई ना चतुर भुज पाई है। जां आपां जपजी साहिब जी दी पावन बाणी दे अंदर यह बचन पढ़ते हाँ सहस स्याणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल। आपां गुनाह करके पाप करके लोकां तों तां छुपा सकते हैं कि उन्हां नूं नदरी ना आउण, पर जिहड़ा वाहिगुरु घट घट मैं हरजू बसै, जिहड़ा ऐसा वाहिगुरु है उस तों आपां किवें लुका लवांगे। इस लई अपने गुनाहां नूं मन के बेनतियां करनियां अरदास करनी यह भी एक बहुत वड्डे भागां दी निशानी है।